हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। आज हम बनाएंगे चिड़वा और आलू से बहुत ही झटपट बनने वाला और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनेगा। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या लेना है। ये दोस्तों मैंने एक कटोरी चिड़वा लिया है, ये मेरा पतला वाला चिड़वा है। आपके पास अगर बारीक वाला है या मोटा वाला है, कोई सा भी चिड़वा हो, किसी भी चिड़वा से ये रेसिपी आसानी से बन जाती है। और दोस्तों दो मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम चिड़वा को सादा पानी में भिगो देते हैं और 10 मिनट इसको भिगो के रखा रहने देते हैं। देखिए दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं और ये चिड़वा हमारा अच्छे से फूल गया है। अब हम इसको चिड़वे को इस तरह से हाथ से इसको मसल लेते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा ही मस लेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा मसल लिया है। अब मैंने जो उबले हुए आलू लिए थे उसको डाल देते हैं। देखिए मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं। अब हम कटी हुई हरी मिर्च भी डालेंगे और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है, कसूरी मेथी डाल देते हैं। अगर आप बच्चों के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो आप हरी मिर्ची को ना डालें। उसके बाद हम थोड़े से मसाले डालते हैं, तो मसाले में डालेंगे एक चुटकी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा एक चुटकी अमचूर पाउडर। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है इसमें। और दोस्तों थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें साबुत जीरा। अब सभी चीजों को डालने के बाद हाथों की हेल्प से इसको मसल मसल कर अच्छे से एक डो की तरह तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसको मसल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सादा आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा है, कोई मैदा नहीं है, कोई सूजी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, हमने इसमें 2 चम्मच डाला है, आवश्यकता अनुसार डालेंगे। अगर आप इसमें चाहते हैं तो सूजी भी डाल सकते हैं। अब हम दोस्तों इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन दोस्तों ऑप्शनल है, आप इसको सिंपल आटा और आलू चिड़वा से ही ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करके आटे की तरह गूंद लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको आटे की तरह इसको गूंद लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से इसकी एक गोल लोई बना लेते हैं। अगर आपका डो चिपक रहा है तो आप हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लें और इस तरह से हम इसको दबाते हुए एक गोल आकार देंगे, एक बड़ी सी लोई बना लेते हैं इस तरह से दबाते हुए। ये देखिए मैंने लोई बना ली है। जितना आप हो सके इसको हाथ से ही थोड़ा सा बढ़ा लें। देखिए अब हम थोड़ा सा लेंगे सूखा आटा और ये मेरा काउंटर टॉप है, इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा हम आटा डालेंगे और इस तरह से बेलन की हेल्प से इसको हम बेल लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से इतना मोटा, ये पूड़ी से थोड़ा सा मोटा रहता है, इस तरह से मैंने इसको बेल कर तैयार कर लिया है। अब इस तरह का मैंने ढक्कन लिया है, आपके पास जो ढक्कन या थाली हो उससे आप इसको कट कर लें किनारों को इस तरह दबाते हुए। और बाकी साइड के एजेज हैं हम इनको हटा देंगे और दोबारा नाश्ता बनाएंगे उसमें इसको यूज कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें ये बनाकर तैयार करना है। अब हम इसको चक्कू की हेल्प से इस तरह से हम इसको काट लेते हैं। और दोस्तों ये हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, ना बहुत ज्यादा मोटा रखना है।
मैंने अभी इसके 4 भाग किए हैं, आप अगर इसके जितने भाग करना चाहते हैं उतने भाग कर सकते हैं। मैं इसके और भाग कर रही हूँ। इस तरह से बड़े सावधानी से इसको कट करना है। देखिए मैंने इसको ट्रायंगल शेप का काट लिया है और देखिए कितना अच्छा नाश्ता बना है, बिल्कुल समोसे की तरह लग रहा है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसको सेकने के लिए। तेल हमने रख दिया था और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम नाश्ते को सावधानी से इसमें डाल देते हैं। ये देखिए आलू और चिड़वा से हमारा हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हो गया है और ये सेक गया है। मैंने उलट पलट करके इसको सेक लिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी के सभी सेक लेते हैं। देखिए पोहा और आलू का हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है और इसको चटनी या सॉस या किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हो। इसको शाम को चाय के साथ या सुबह के नाश्ते में कभी भी आप इसको बना सकते हो। ये है ना कितना सरल नाश्ता और जल्दी बनने वाला है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।